तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारा दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था वीवीए के प्रोजेक्ट के बारे में, हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में। जी हाँ, रिकॉर्ड माइक्रो, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको हम एक काम भी देंगे जो करना है। सो उसमें जानते हैं कि रिकॉर्ड माइक्रो क्या करता है। कल मैंने समझाया था कि रिकॉर्ड माइक्रो काम क्या है, कि आपने माइक्रो रिकॉर्ड कर दिया, अब जो भी इवेंट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1-2 लिखा, यहाँ पे 3-2 लिखा, तो वो जो है आपका वीवीए कोड में माइक्रोज क्रिएट कर देता है, और उसके वो जो कोड लिखता है वो भी वीवीए कोड ही होता है। पर क्या है कि जब हम कोड करते हैं और जो सिस्टम कोड बनाता है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वीवीए रिकॉर्ड फैसिलिटी है, जो आपके माइक्रोज की रिकॉर्ड फैसिलिटी है, वो वीवीए का जो ए है, जो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको फॉलो करता है। जब हम कोड करते हैं तो अपने हिसाब से कोड लिखते हैं। जैसे अगर आपने बॉस को एक लीव के लिए अप्रोच करना है, तो आप अगर वर्बली बोलना है तो जाके बोलेंगे, बॉस कल मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे फलाना काम है। लेकिन इसी चीज़ को मेल पे या एप्लीकेशन में लिखेंगे तो मेल पे हम सीधा ही नहीं लिख सकते कि बॉस कल मैं नहीं ऑफिस से आ रहा हूँ, वहाँ पूरा प्रोफॉर्मा फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से जब हम कोड लिखते हैं तो अपने हिसाब से जो ज़रूरत है वही चीज़ लिखते हैं, लेकिन जब माइक्रो रिकॉर्ड करता है तो अपने बिहाव से अपना कोड जनरेट कर लेता है। तो ये भी वीवीए कोड ही अप्लाई करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस रिकॉर्ड माइक्रो का बेनिफिट कहाँ उठाएंगे, क्योंकि मैंने कल बताया था कि सिर्फ रिकॉर्ड माइक्रो से आपका सारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको रिपीटेशन हो गया, डायनेमिक हो गया, और उसके बाद कनेक्टिविटी हो गई, कंडीशंस होंगे, लूपिंग हो गया, ये चीज़ें आपके रिकॉर्ड माइक्रो परफॉर्म नहीं करती है। ओके जी, जी तो वहाँ पे हम जो इसका यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि फिर हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, इसके बगैर तो काम हो नहीं सकता, तो फिर क्या यूज करेंगे इसका। तो बेसिकली इसका जो यूज होता है वो यूज होता है आपका दो तरीके में। एक होता है डिक्शनरी, जैसे मान लीजिए कि आपको कॉपी और पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल का कोड पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से माइक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रो रिकॉर्ड किया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट इज वैल्यू। अब जो है आप जाएंगे अपने इसमें एडिट में, तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि कॉपी करने कोड एक कॉपी हो गया और ये पेस्ट करने का कोड हो गया, तो आप मेमोराइज कर लेंगे, फिर इसको अपने हिसाब से चेंजिंग करके यूज कर सकते हैं। तो एज ए डिक्शनरी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लर्निंग पीरियड के लिए। तो आप वो सीखने के लिए आपका रिकॉर्डिंग माइक्रो सबसे बड़ा हेल्प करेगा कोड को मेमोराइज करने में। ठीक है सर कमलदीप जी? जी, तो कोड को मेमोराइज करने में सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला। बात आती है, दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि चलो सर मैं सीख लिया, तब क्या इसका यूज नहीं करूँगा? तब भी हम इसका यूज करते हैं। तो उसका यूज कहाँ करेंगे? तो उसका यूज हम लोग करते हैं, उसके लिए आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके हम एक अलग शीट पे आए और यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया, राइट? ओके, पेस्ट इज ए वैल्यू कर जी। अब मुझे क्या करना है कि ये डेटा है, मुझे मान लीजिए पूरा पैन इंडिया का डेटा है, अब मुझे इसको अपने जो हमारे जो मेंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे नेम है, तो हर नाम के लिए मुझे यहाँ पे अलग अलग शीट बनानी होती है, भेजना होता है। मतलब कि हम किसी का डाटा किसी को नहीं भेज सकते, जो नेम है हम उसी का डेटा उसको भेजेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा माइक्रो बनाऊँ कि मैं एक बार रन करूँ, रन करते मुझसे नाम पूछे, मैंने पूजा डाला तो
एक पूजा की एक पूजा के डेटा को फिल्टर करके कॉपी करके और उसको एक अलग फाइल पे पेस्ट कर दे, उसका नाम पूजा कर दे, ओके ठीक है। ऑलराइट जी। तो चलिए अब इसके लिए हम रिकॉर्ड माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं। रिकॉर्डिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो में डेवलपर में गया, रिकॉर्ड कर लिया, माइक्रो का नाम दे दिया एंड ओके कर दिया। आप कहीं भी एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करेंगे, आप स्क्रॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपके पास कोई और शीट है तो शीट पे नहीं जाएंगे, मतलब कि आपको जो स्टेप जरूरत है उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। आपने स्टेप को चेंज किया, आपको आपने स्टेप को इधर उधर हिलाया डुलाया तो क्या होगा, सबका कोड जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए कि पहले से सीट यहाँ पर है, उस सीट पे चले गए तो आपको उस सीट पे जाने का कोड रिकॉर्ड हो गया, तो जब भी मैं आपको प्ले करेंगे वहाँ जाने का कोड, वहाँ पे जाने का आपको कोड लेगा ही लेगा, समझे जी। अगर मुझे व्हील हुक लगाना हो किसी और शीट से तो नहीं हो पाएगा इससे, ऐसे होगा होगा, लेकिन मतलब जो जरूरत है उसी पे जाएगा, तो सीट रखना पड़ेगा। मैंने कहने मतलब समझे कि आप अगर दूसरे सीट पे चले गए तो फिर उस सीट को आपको रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो शीट इसी शीट के अंदर मतलब टैब के अंदर होनी चाहिए या फिर कहीं पे भी ओपन होनी चाहिए बस? कहीं भी हो सकता है, दिक्कत नहीं, ठीक है सर जी। चलिए आगे बढ़े जी सर। तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, सबसे पहले यहाँ कर्सर लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने अमर सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे माउस से सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने माउस से सेलेक्ट किया तो माउस से सेलेक्ट होने का कोड जनरेट होगा। ऑलराइट, यहाँ माउस से सिलेक्शन नहीं करनी है। अच्छा, तो यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन, और कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल जी, यहाँ पे कंट्रोल जी करूँगा और यहाँ स्पेशल पे जाऊँगा और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे विजुअल सेल्स ओनली, राइट, ताकि हमें श्योर रहेगा कि हमारे फिल्टर का अंदर का डेटा कॉपी नहीं हुआ। कॉपी उसके बाद एक नई शीट इंसर्ट करेंगे, उस पर पेस्ट करेंगे, नाम डालेंगे पूजा, सर अमर 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 हमने डाल दिया। कोई बात नहीं अब देखिए दो बार नाम डालने के वहां पर कोड जनरेट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, मूव एंड कॉपी, एक नई वर्कबुक में इसको हमने मूव कर लिया। अब उस वर्कबुक का नाम हमने डाउनलोड में अमर दे दिया, ठीक है, और सेव okay. और इसको क्लोज कर देते हैं और फिर इसको अनफिल्टर कर देते हैं, ठीक है। अब माइक्रो स्टॉप करते हैं। अब जो माइक्रो टू हमारा माइक्रो बना है, माइक्रो थ्री सॉरी माइक्रो फोर जो माइक्रो बना है, ये रन करने पर रन नहीं होगा। रीजन ये कि इसके अंदर कुछ कोड है, जैसे कि अब दो दो बार फिल्टर नहीं लगेगा ना सर जी, जानते हैं कि एक समय एक बार फिल्टर लगा दो तो फिल्टर अप्लाई होता है, दूसरे बार से डिसअप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से एक फिल्टर लगाना होगा, हटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए एक ए वन से लेके जी सेवन नाइन सेवन नाइन सेवन दिख रहा है आपको, वो फिक्स है राइट सर जी। तो इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी, दो दो हटाना, ये फिक्स हो गया डेटा हमारा, तो हम चाहते हैं कि डेटा फिक्स ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए वन डाल दिया ए वन, डोजर नहीं हटाना पड़ेगा, इसे ए वन डाल दिया क्योंकि हमने फिल्टर लगाते समय ए वन ही तो सिलेक्ट किया था ना, मैं फिल्टर ऐसे लगाया था ना सर। हाँ जी हाँ जी, समझ गया। तो हमने ए वन डाल दिया, वन से फिल्टर लगा दिया, अपने आप ले लेगा। सिलेक्शन किया, राइट किया, विजुअल सेल्स किया, कॉपी किया, सीट को ऐड किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखिए सीट टू डॉट सेलेक्ट, एक गलत है, क्योंकि जब भी मैं सीट इंटी इंसर्ट करूँगा तो हमेशा सीट टू थोड़ी आएगा क्या सर, अलग शीट टू शीट थ्री शीट फोर, ये गलत हो गया था ना, कोड पूजा आ गया था, इसको हमने डिलीट कर दिया इसको। हाँ हाँ चलो ठीक है, कोई बात। तो शीट्स पूजा डॉट नेम अमर, राइट जी। तो अब शीट जो ऐड हुआ है वही एक्टिवेट है ना सर,
जहाँ पे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट लिखा हुआ है, हाँ तो पूजा को हटा के हमने एक्टिव शीट कर दिया। अब जहाँ जहाँ अमर या पूजा है वहाँ वहाँ एक्टिव शीट हम करेंगे। इकड कोई मोड डॉट फॉल्स इक्वल टू फॉल्स है ना, वो एस्केप करते हैं ना हम लोग जब कॉपी करने के बाद वो घूमता रहता है जी, उसको करने के लिए करते हैं। ये आपका आ गया और ये हटा दीजिए इसको। लेकिन ये हर बार अमर ही कैसे लेगा, नहीं सॉरी अमर ही लेगा ना ये तो हर। हाँ अभी तो अभी मैं ऑटो क्या बोला आपका पिवट आपका जो रिकॉर्डेड माइक्रो डायनेमिक नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तो अभी जो फालतू के कोड थे हमने उसको डिलीट कर दिया। अब मुझे अमर को डायनेमिक करना है कि मुझसे पूछे, तो उसके लिए हमें इसमें एक कोड इंसर्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि एन एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहाँ दे दिया एंटर नेम। इनपुट बॉक्स क्या करेगा, जब रन होगा ना तो एक बॉक्स देगा जिसमें आप नाम टाइप करोगे और जो नाम टाइप होगा वो एन पे स्टोर हो जाएगा। अब एन क्या है, एक टेम्परेरी सेविंग लोकेशन जिसको हम लोग वेरिएबल्स या डेटा टाइप कहते हैं। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स में आप लोग एक्स वाई जेड लेते हैं ना, आपको आपको जैसे एक आपने कह दिया सपोज एक्स इक्वल टू 100 और जहाँ जहाँ 100 की जरूरत है वहाँ पे एक्स लेते हैं। सेम से हमने बोला कि एन इक्वल टू नेम और जहाँ जहाँ मुझे नेम की जरूरत है वहाँ हम कर दिया एन। ठीक है, तो जो इनपुट बॉक्स नेम होगा वो नेम एन पे स्टोर हो जाएगा और जहाँ जहाँ मुझे चाहिए वहाँ ले। अब यहाँ पे नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे n दे दिया तो क्या होगा, n नाम का फाइल बना देगा क्योंकि n जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। हमें इसको कंबाइन करना होगा इस तरह से। ठीक है जी, कमलदीप जी कोई डाउट है इसमें? नहीं मेरे को ऐसे मतलब समझ में आया कि जो एन है उसको अलग करने के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमा मतलब अलग अलग कर लिया है। अब जो है जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखिए जैसे मैंने इसको रन किया, रन करते ही मुझसे पूछा नेम, मैं नेम में डाल दिया लीला, तो लीला नाम की फाइल को इसने स्टोर सेव कर दिया। वो पता चला कैसे हुआ है, क्विकली हो गया। यही सर माइक्रो का यही तो खासियत है सर, देखिए आ गया लीला। और जब लीला का फाइल ओपन कीजिए सर लीला का रहता है सीट भी लीला का। ठीक है सर जी। अब इसमें हम रिकॉर्डिंग माइक्रो, हम देखिए सारे कोड हम खुद भी लिख सकते थे बट रिकॉर्डिंग माइक्रो से क्या हुआ कि हमें कोड कम लिखना पड़ा। अभी चलो एक सिंपल सा 20-25 लाइनों का कोड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े कोड होते हैं, जैसे कि 2-3 पेज का कोड है तो हम 2-3 पेज का कोड ना लिख के क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड को यूज कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ ये बातें समझ में आ गई हैं, लेकिन एक बात पूछनी थी कि जैसे कि n इक्वल टू इनपुट बॉक्स आपने लिया ब्रैकेट डबल लॉक सेमी कॉलम एंटर नेम, हमने शुरुआत में क्या बोला कि आप जब सीख जाएंगे तब रिकॉर्ड माइक्रो का यूज करेंगे, ये बोला था ना सर। तो अभी आपको ये समझना है कि दिस इज द यूजफुल फीचर्स, बस कैसे है क्या क्या कोड लिखा है, जब कोडिंग सीखेंगे तभी तो जानेंगे। हमें मेरा क्वेश्चन यही था कि हमें ये चीजें नहीं पता कि मतलब हमें ये चीजें लिखनी होती है। हमने जो चीजें डिलीट की है तो स्टेप था ना कि कौन सा स्टेप होना चाहिए, जैसे कि नाम हमने यहाँ पे नेम को एक्टिव सीट कर दिया, इससे पहले क्या था इसमें नेम अमर था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये दैट इज नॉट अ कोडिंग, ये ऊपर एक्टिव सीट था उठा के डाल दिया नीचे हमने। नहीं नहीं गॉट इट योर पॉइंट कि हम फिलहाल ये सीख रहे हैं कि हाउ रिकॉर्डिंग वर्क्स जी। अब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, अब एक चीज़ जानते हैं कि अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी माइक्रो को रन करने की, रन कैसे करेंगे कोई भी माइक्रो, जरूरी नहीं रिकॉर्ड ही माइक्रो, एनी माइक्रो हाउ कैन रन। तो रन करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से रन कर सकते हैं, क्लिक कीजिए रन कर दिया, या आप इसका शॉर्टकट आप यहाँ से बना सकते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी समय कंट्रोल शिफ्ट क्यू बना दिया। ठीक है ओके तो आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू करें तो रन हो जाएगा।
आप यहाँ इंसर्ट में बटन्स होता है फॉर्म कंट्रोल, उसको ड्रैग कीजिए, आपसे अब माइक्रो साइन पूछेगा, आप माइक्रो साइन कर दीजिए। अच्छा, कोई बटन बना दें, ठीक है, चेंज कर दीजिए इसको, अब इस रन माइक्रो बटन से रन हो जाएगा। अब ये आपका स्टाइलिश बटन है आपके पास जी, पिक्चर्स वगैरह या स्टेप्स वगैरह आपने डिजाइन किया हुआ है। एक क्वेश्चन था, अगर मान लो मैं ये सब सारी शीटें बंद कर देता, सर नहीं, जब तक खुलेगा तब तक और नई शीट खोलता हूँ, और नई शीट खोलने में मेरा कोई डेटा है मेरे पास क्या सर? आप यही वाला शीट खुलनी चाहिए मतलब, है ना? हाँ, जिस पे माइक्रो रन रिकॉर्ड हुआ है वो तो खुलना चाहिए ना सर, क्योंकि जो माइक्रो लिस्ट में आप जो नाम देख रहे हैं ये आपको तभी दिख रहा है जब तक फाइल ओपन है। हेलो जी सर, ये क्वेश्चन था कि अगर ये अगर हम कोई दूसरी फाइल खोलेंगे दूसरी फाइल नहीं नजर आएगा हमें, दूसरी फाइल पे भी ये चलेगा, लेकिन वो पहली फाइल ओपन होनी चाहिए। ये तो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, वेट कीजिए। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा टाइप ऑफ माइक्रो, कि माइक्रो का टाइप कितने होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है पब्लिक माइक्रो, पब्लिक माइक्रो जो अभी आपने रिकॉर्ड किया ना सर, या जो हम मॉड्यूल्स में जाके कोड करते हैं, वो होता है आपका पब्लिक माइक्रो। क्यों पब्लिक क्यों होता है? कि जहाँ जहाँ मेरा, जैसे आपको ये फाइल, हमने बुकेट फाइल जो हमारा है इसमें जो माइक्रो बनाया हुआ है ना सर, जो जो इस फाइल को, इस बुक फाइल को, जो बुक फाइल दिख रहा है, इस बुक फाइल को जो भी पर्सन एक्सेस करेगा वो जो है इस माइक्रो को भी रन कर सकता है, यूज कर सकता है। तो जहाँ जहाँ फाइल जाएगी वहाँ वहाँ माइक्रो देगा। दूसरा, मुझे बुक फाउंड को रन करना है तो मैं इस फाइल में तो रन कर ही सकता हूँ। दूसरा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बुक 8 ओपन किया, मैं बुक 8 पे भी इस माइक्रो को रन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक अटेंशन, एक क्वेश्चन यही है, एक मैंने एक सिंपल सा कंडीशन है कि आपका बुक 5 जो है ओपन होना चाहिए। अगर आपका बुक 5 क्लोज कर देते हैं, जैसे मैंने इसको क्लोज कर दूंगा, तो आपको जो है माइक्रो ये इस बुक 8 पे नहीं मिलेगा। अरे एक बात बताओ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे ये बुक 5 है उस पे मैंने मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं ये फाइल किसी और को भेजता हूँ और उसको सेम मैक्रो रन करना है, तो क्या अगर मैं उसको मेल करता हूँ और वो उसको को रन करके चला सकता है उस मैक्रो को, वो रन होएगा? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, और अब अगर उसके पास मान लीजिए बुक 5 वाला जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो नहीं तो नहीं है, या मैं अपने सिस्टम में काम कर रहा हूँ और बुक 5 वाला मैक्रो भी मैं यूज नहीं कर रहा, मैं नया एक बुक 8 अगर मैंने ओपन किया, क्या मैं उस बुक 8 में ओपन मतलब चलेगा मेरा मैक्रो ही? सर आपका मैक्रो जो भी मैंने बुक 5 के लिए किया था, आपका मैक्रो किसी और फाइल पे, किसी और सिस्टम पे तभी चलेगा जब आपका बुक 5 ओपन है। क्लोज है, बंद है, डेस्कटॉप पे कहीं पे पड़ा हुआ है, उससे भी नहीं, वो फाइल ओपन होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन था, ओके सर, अभी अब जैसे मैंने क्या किया था कि एक छोटा सा मैक्रो बनाया था रिकॉर्डिंग के लगा के, कि मुझे कुछ फिल्टर्स लगाने थे डेटा के ऊपर, वो मैंने लगाया और मैंने मैक्रो सेव किया और मैंने क्लोज कर दिया। अब मेरे पास जब भी नया डेटा आता है मैं नया डेटा खोलता हूँ और मैं डेवलपर टैब में जाता हूँ, मेरा मैक्रो पड़ा होता है, मैं नए डेटा पे लगाता हूँ, समझा रहा हूँ ना सर आपको, मैं समझा रहा हूँ, बाकी तो सोचिए सर आपने कौन सा मैक्रो बनाया था। तो पब्लिक माइक्रो पब्लिकली किसी भी फाइल में रन होता है, बट वो फाइल आपका ओपन होना चाहिए पहले। दूसरा जो होता है हमारा पर्सनल माइक्रो होता है, ठीक है, पर्सनल माइक्रो। पर्सनल माइक्रो जब आप यहाँ रिकॉर्ड करते हैं ना, तो यहाँ आपसे पूछता है पर्सनल माइक्रो। अगर आपने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया तो क्या होगा, ये माइक्रो जो है ये आपकी इस फाइल में, मतलब कि बुक 5 में स्टोर नहीं होगा। ये फाइल कहाँ स्टोर होगी? ये फाइल स्टोर होगी आपकी, ये जो डेटा जो आपका जो कोड जो है, कोड स्टोर कहाँ होगा? कोड स्टोर होगा आपके ऑफिस की लाइब्रेरी में।
तो आप किसी भी फाइल में जाएंगे, माइक्रो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि जिस फाइल पर रिकॉर्ड हुआ है वो फाइल ओपन होना चाहिए, समझ गए? अच्छा जी, तो पर्सनल माइक्रो में आपको ये फैसिलिटी मिलती है, बट पर्सनल माइक्रो में रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पर्सनल माइक्रो को रिमूव करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एड इन्स। क्या आप अपने माइक्रोज को बनाएं, सारे माइक्रोज को बनाएं और उसको सेव करें एक्सेल एड इन्स में, यहाँ दिख रहा है सर? एक्सेल एड में सेव करने के बाद आप ऑप्शन पे जाएं और चले जाएं एक्सेल एड इन्स गो, और यहाँ ब्राउज करके उस एड इन्स को ऐड कर लें। उसके बाद आप इसको जो है कस्टमाइज रिबन में जाके ऑप्शन में, यहाँ कस्टमाइज रिबन में जाके अपने माइक्रोज को किसी भी, देख रहा है माइक्रोज आपको सर, इस माइक्रोज को किसी भी मेनू बार में इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे डेवलपर में इंसर्ट करें चाहे कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है, सेम वे जैसे अपडेट किया जा सकता है, किसी को भेजा जा सकता है, क्योंकि एक फाइल बन के आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था डाउनलोड में ये फाइल दिख रहा है, ये एडिंस की फाइल है, तो इसके अंदर सिर्फ इसकी कोड रिकॉर्ड, अगर मैंने इसको ऐड कर लिया तो इसके सारे माइक्रोज मेरे माइक्रो लिस्ट में आ जाएंगे और मैं कस्टमाइज रिबन से इसको किसी भी मेनू बार में असाइन कर सकता हूँ। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। सो पर्सनल माइक्रो अगर रिकॉर्ड करते हैं तो आप किसी भी अपने कंप्यूटर के किसी भी फाइल में आप इस माइक्रो को रन कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइल ओपन होना चाहिए, क्योंकि एक कोड, इसकी कोड जो है किसी की फाइल में सेव ही नहीं होती है, कोड जो सेव होता है वो आपके ऑफिस लाइब्रेरी में होता है। इसका बैड पॉइंट क्या होता है, इसका गलत पॉइंट ये होता है कि ये आप इस माइक्रो को किसी को भेज नहीं सकते। अगर मान लीजिए बुक फाइव किसी को भेज दिए, पर्सनल माइक्रो रिकॉर्ड किया था आपने, तो बुक फाइव के माइक्रोज यू यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे के सारे कोडिंग तो आपके सिस्टम में आ गया जी, ठीक है। तो उसी का एक अल्टरनेट है एड इन्स, कि आप फाइल एड इन सेव कर लो, अगर किसी को भेजना, जैसे मान लीजिए ना आपने 20-25 फॉर्मूले बना रखे हैं, राइट, अब आपके बॉस ने देखा बड़े यार तुमने जगह जगह फॉर्मूला बना रखा है, सारे फॉर्मूला मुझे दे दो, तो आपको अपने फॉर्मूले वाली फाइल को भेजने की जरूरत नहीं है, उसका एड इन्स बना कर उनको भेज दीजिए और उनको बोलिए कि इसको इंसर्ट कर ले जहाँ इंसर्ट करना है। तीसरा जो आता है वो होता है इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रोज क्या होता है कि ये जो होता है कहीं से रन करने की जरूरत नहीं होती, ये एक पर्टिकुलर एक्शन से बटन पे क्लिक करते ओपन हो गया, तो बटन पे क्लिक करना जिसे इवेंट माइक्रोज। मैं चाहता हूँ कि सीट थ्री पे कहीं भी कर्सर रखूँ तो कलर हो जाए, तो जो कोड होगी हम उस ऑब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर एक्शन पे, जैसे मतलब कि वर्कशीट के सिलेक्शन चेंज वाले एक्शन में डालेंगे। तो यहाँ हम सिंपल लिख देते हैं टारगेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो रेड हो जाएगा। दिस इज द इवेंट माइक्रो, मतलब इवेंट माइक्रो को आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सेट कर दीजिए कि मेरे इस इवेंट में, मेरे इस एक्शन पे, या मैं जब ये करूँ तो मेरा कोड ऑटोमेटिकली रन कर जाए। तो जैसे आप उसको करेंगे अपना ऑटोमेटिक उसका कोड रन कर जाएगा। तो माइक्रो के तीन टाइप होते हैं, पब्लिक, पर्सनल, इवेंट, तीनों समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी समझ में आ गए। ये पूछना था कि जैसे पर्सनल मैक्रो बनाया तो आपने बताया कि जब सेव करते हैं तो पर्सनल मैक्रो में सेव करते हैं तो दैट इज पर्सनल, जो पब्लिक मैक्रो होता है क्या उसको सेव करने का कोई तरीका अलग है? नहीं, पब्लिक एडिस जो बनता है पब्लिक मैक्रो का ही एडिस बनता है, पर्सनल मैक्रो का नहीं बनता है। पर्सनल मैक्रो किसी भी कंडीशन में स्ट्रैक नहीं होगा, तो हमेशा पब्लिक बनाओ और एडिस करो उसमें जी, ठीक है? ओके, आपको कमलदीप समझ में आया? हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं है ना?
अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो कि माइक्रो कैसे यूज करें। तो कल बताया था मैंने कि तीन चीज़ें पहले कर लीजिए, पहले डेवलपर टैब ला दीजिए, माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर लीजिए और फाइल को सेव कर लीजिए डॉट एक्सएलएस एक्स में। फिर विजुअल बेसिक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का विंडो आएगा। तो जितने भी फाइल आपका ओपन होगा यहाँ पर फाइल का लिस्ट दिखेगा, दिख रहा है, जिसको सेलेक्ट करेंगे नीचे उसकी प्रॉपर्टीज दिखेगी, और यहाँ जो दिख रहा है इसको हम कोड विंडो कहते हैं। इसको लाने के लिए आप या मान ली कभी नहीं है हमारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर तो क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे या फिर कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए, नहीं तो व्यू में भी जाके आप ला सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के लिए आपका ये निशान है, F4 कोड है, और व्यू में भी आप प्रॉपर्टीज ला सकते हैं यहाँ पे। और जिस पर डबल क्लिक करेंगे उसका कोड विंडो यहाँ खुल के आएगा। तो पहले आपको देखना है कि आपने जो फाइलें ओपन कर रखी है उसके किस फाइल में कोड करना है। जैसे मान लीजिए मुझे बुक 8 में कोड करना है, तो मैं यहाँ से बुक 8 को एक्सप्लोर करूँगा। बुक 8 के अंदर एक सीट है, तो यहाँ एक सीट दिख रहा है। जैसे बुक 4 के अंदर में जितने नंबर ऑफ सीट ऐड होंगे, जैसे यहाँ पे ऐड हो गया 3 सीट, तो आप जाके देखेंगे यहाँ पे 3 सीट आपको आ गए। तो कोड कहाँ करेंगे हम यहाँ सीट 1 पे डबल क्लिक करके भी यहाँ कोड लिख सकते हैं, सीट 2 पे लिख सकते हैं, या दिस वर्कबुक पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इवेंट माइक्रो की प्रोग्रामिंग होती है, पब्लिक माइक्रो की प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है कि एक तो जैसे मैंने यहाँ पे बुक सीट 1 पे कोई कोड लिखा तो सीट 1 की प्रॉपर्टी में सेव हुआ। अब कोई भी आएगा और सीट 1 को यहाँ से डिलीट कर देगा, तो मेरा कोड भी तो डिलीट हो गया सर, और सीट डिलीट होते रहते हैं। दूसरा कि इसमें हम किसी और सीट से किसी और फाइल का रेफरेंस देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए आपको डेटा किसी और फाइल से उठाना है तो इसमें आपको दूसरे फाइल को नेविगेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहता हूँ कि आप इंसर्ट कीजिए क्या मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल इंस्टॉल यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, और जो भी प्रोग्रामिंग होती है हमारे मॉड्यूल में होती है। और मॉड्यूल 1 को नाम वगैरह भी दे सकते हैं, इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना माइक्रो लिखेंगे, तो आपको माइक्रो बनाना है तो सबसे पहले नाम डिसाइड करना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सब, सब में यहाँ पे आप अपना नाम दे दीजिए, इसके एम ए के मैक ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है माइक्रो का, लेकिन कुछ इसमें भी कुछ रूल्स है फॉलो करना। जैसे आपने टेस्ट दे दिया तो टेस्ट टुडे एस आपका गलत है, क्योंकि आप जो है अपने माइक्रो नेम के बीच में किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर या स्पेस नहीं दे सकते, जैसे डॉट डैश कॉमा ये चीज़ें नहीं दे सकते। हाँ, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, अंडरस्कोर को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, ओके। तो माइक्रो एक नाम से दो माइक्रो नहीं होने चाहिए, माइक्रो नेम के अंदर में किसी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। तीसरा, तीन करेक्टर का और अल्फाबेटिंग का आपका नेम नहीं होता है, जैसे राज 1 ये गलत है। क्यों? कि जैसे इसको आप यहाँ से रन करेंगे तो राज 1 को क्लिक करेंगे तो रन नहीं होगा, क्योंकि राज 1 यहाँ देखिए पहुँच गया। ओके, क्योंकि राज 1 नाम का आपके पास रेफरेंस है, तो क्लिक करेंगे तो पहुँच जाए वहाँ पर, रन करने में दिक्कत होगी। यहाँ देखिए XFD तीन अल्फाबेट है ना आपके सर, और इसके नंबर्स, तो इस ए आप मत रखिएगा नाम। इसके अलावा कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नंबर ही देना है, अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे राजवन ही देना है, तो बीच में अंडरस्कोर लगा लीजिए। क्लियर है? ओके जी, कोई डाउट सर आप लोग इसमें? नहीं, क्लियर है सर। तो माइक्रो डिक्लेरेशन आ गई। अब बात आती है कि हम प्रोग्राम लिखे क्या। देखिए, जो हमारा BVA कोड होता है वो चार मेन कोड पे टिका हुआ है, वर्कबुक्स, शीट्स एंड रेंज। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस मोस्टली, जो कोई भी तो नहीं कह सकते, जो मोस्टली सेंटेंस होता है नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है ना सर, राम इज गुड बॉय, श्याम इज बैड बॉय, इस तरह से। राम श्याम नाउन पर नाउन है ना सर जी। तो सेम उसी तरह से आपके VVA प्रोग्रामिंग में चार मेन वर्ड हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, मेन ऑब्जेक्ट है जहाँ से हमारा कोर्स शुरू होता है।
तो आप कोई भी कोड देखेंगे तो इन चारों में से कोई एक से शुरू होगा कोड, लाइन ऑफ कोड, ठीक है। अब ये क्या है, क्या चीज़ें हैं, हम आपको इसके बारे में बताएंगे लेकिन अगली क्लास में।